सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। इसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीय को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है तो कथा भी एक जैसी हो सकती है। तीज की कथा जो शिव जी ने पार्वती जी को उनका अतीत स्मरण कराने के लिए सुनाई थी। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने कथा आगे बढ़ाते हुए पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया तुम्हें। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया है। पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल स्वर्ग का वरदान प्राप्त होता है।